सूर्यवंश का जो टाइम पीरियड है 1000 AD से लेकर 1741 AD तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया। ठीक है, कलचुरियों की हमें दो ब्रांच मिलती है, दो शाखा मिलती है इसकी भी, कौन कौन सा जी? एक है रतनपुर के कलचुरी, रतनपुर के कलचुरी, और एक है आपका रायपुर के कलचुरी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि कलचुरियों की कितनी ब्रांच मिलता है, तो दो, एक रतनपुर की कलचुरी मिलेगा और एक कहाँ का जी, रायपुर के कलचुरी मिलते हैं। ऐसा नाम इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ लोग अपनी कैपिटल किसको बना के रखी है, रतनपुर, तो वहां पे रहकर शासन कर रहे हैं तो रतनपुर के कलचुरी हो गए। कुछ लोग अपना राजधानी किसको बनाते हैं, रायपुर को, तो वहां पे जो निवास करके शासन किए हैं उनको रायपुर के कलचुरी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो कलचुरियों का आदि पुरुष है उसको कृष्णदास को माना जाता है। इसको माना जाता है आज कृष्णराज नाम के पर्सन को माना जाता है इनका आदि पुरुष। आदि पुरुष कहने का मतलब क्या है, जिसने इस वंश को कहीं पे स्टार्ट कर दिया, पहला व्यक्ति इस वंश का कह सकते हैं। ठीक है, वही आदि पुरुष कहलाता है। इस कृष्णराज नाम के व्यक्ति ने उज्जैन के क्षेत्र में इसको स्टार्ट किया था। उज्जैन कहाँ आता है जी, अपना मध्य प्रदेश, कहाँ आता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, व्यापन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन कृष्णराज ने सबसे पहले इसको उज्जैन मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्टार्ट किया था और इसी को महिष्मति क्षेत्र भी कहा गया है। क्या क्षेत्र कहा गया है जी, महिष्मति। फिर कृष्णराज के बाद बहुत सारे राजा होते हैं इस वंश में। ठीक है, कृष्णराज के बाद इसमें शंकरगढ़ आते हैं, शंकरगढ़ के बाद आते हैं इसमें आपका पोकल ने फर्स्ट, फिर इसमें आता है वामन राजदेव। कौन आते हैं जी, वामन राजदेव। और इस वामन राजदेव नाम के व्यक्ति ने इस वंश को माना है कि इन्होंने त्रिपुरी में इसको स्टार्ट किया था, और त्रिपुरी भी हमारा कहाँ आता है जी, मध्य प्रदेश में ही आता है। यह ध्यान देंगे दो मिनट सब लोग, इस वंश को कृष्णराज नाम के पर्सन ने कहाँ स्टार्ट किया माना गया है जी, उज्जैन में। लेकिन यदि एग्जाम में आपको आता है कि त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या लगा देना जी, वामन राजदेव को माना गया, क्योंकि ये त्रिपुरी में अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे चल के इस वंश का और ग्रोथ होगा और एक राजा मिलेगा जिसका नाम है शंकरगढ़। क्या नाम है जी, शंकरगढ़ मुग्धतुंग। थोड़ा समझेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, शंकरगढ़ मुग्धतुंग नाम का एक राजा है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अटैक करता है, आक्रमण करता है, और किस क्षेत्र में आक्रमण करता है, तो पाली। किस क्षेत्र में करता है जी, पाली, जो कि कौन सा एरिया है, कोरबा। ठीक है, तो पाली कोरबा क्षेत्र में अटैक करता है आपका कौन, हमारा शंकरगढ़ मुग्धतुंग। और पाली क्षेत्र में इस समय बाढ़ वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था जी, बाढ़ वंश का, और बाढ़ वंश का राजा था जयम्यून। क्या नाम था जी, जयम्यून। तो शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने अटैक किया पाली क्षेत्र में और जयम्यून को उन्होंने हरा दिया। अब पाली क्षेत्र में, कोरबा के पाली क्षेत्र में किसका कब्जा हो गया जी, शंकरगढ़ मुग्धतुंग का। यहां तक की कहानी समझ आ रही है, शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने पाली क्षेत्र को जीत लिया और आगे चल के यहाँ पे अभी शासन स्थापित नहीं किया उन्होंने, यहां से जीत करके फिर से रिटर्न चला गया कह सकते हैं। आगे चल के उसी शंकरगढ़ मुग्धतुंग के ही वंश में एक पर्सन आएंगे जिसका नाम है कलिंग राज। क्या नाम है जी, और उसी कलिंग राज को भेजा जाता है कि जाइए आप छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जहां पे हम लोग जीते हैं उस क्षेत्र में आप शासन कीजिए ऐसे करके। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक क्या नाम रहता है, कलिंग राज। क्या आता है जी, कलिंग राज। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड याद रखिएगा, पूरा ध्यान दो सब लोग।
इस वंश का आदि पुरुष कौन जी बोलो कृष्णराज। कहाँ पे स्टार्ट किया उज्जैन मध्य प्रदेश में। अन्य राजा कौन इस वंश का शंकरगढ़। ये शंकरगढ़ फर्स्ट ले सकते हो ठीक है। अन्य राजा आ गया कोकल्य फर्स्ट। त्रिपुरी में इस वंश को किसने स्टार्ट किया तो वामन राजदेव। इस वंश का अन्य एक महान राजा कौन हुआ शंकरगढ़ मुक्त ध्वज। इन्होंने कोरबा पाली क्षेत्र में अटैक किया किसको हराया जी जयमेव को हराया और जयमेव को हरा करके कोरबा के पाली क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और आगे चल के कलिंग राज को भेजा यहाँ पे शासन करने के लिए जो कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी में उसका क्या हुआ संस्थापक हुआ ठीक। देखिए आगे कलचुरी वंश को है वंश के नाम से भी जाना गया है। क्या वंश कहते हैं जिसको है वंश इसी का नाम है कह सकते हैं ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश ठीक है नहीं। अगर एग्जाम में आपको आ जाता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन रहा है तो क्या लगा देना कलचुरी। लेकिन यदि यही क्वेश्चन को पूछता है कि बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया तब क्या लगाना है काकतीय वंश। कौन सा वंश है जी काकतीय। एसी चल रहे कि नहीं चल रहे हैं चल रहे हैं ना इसको बंद कर दो। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश रहा लेकिन बस्तर में अगर पूछता है तो काकतीय लगाना है ठीक है। देखिए भैया आगे ये जो कलचुरी वंश है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है अगर एग्जाम में आता है तो इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था गज लक्ष्मी। क्या हुआ करता था जी गज लक्ष्मी ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी और हाथी की क्या करते थे जी पूजा करते थे। गज मतलब हाथी और लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी ठीक है। तो लक्ष्मी और हाथी की पूजा वगैरह करते थे यही इनका क्या हुआ करता था जी प्रतीक चिन्ह हुआ करता था याद रखिएगा ठीक है। सहस्त्रार्जुन कहा जाता था इनको। क्या कहा जाता था जी सहस्त्रार्जुन। अगर एग्जाम में आता है कि सहस्त्रार्जुन किस वंश के लोगों को कहा गया है तो क्या लगा देना कलचुरी। सहस्त्रार्जुन मतलब अर्जुन बहुत सारे अर्जुनों के समान ऐसे करके ठीक है। इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी कई राजधानी मिलती ठीक है। इनकी हमें छत्तीसगढ़ में पांच राजधानी मिली। कितनी कैपिटल मिला है जी पांच यह ध्यान देंगे सब लोग। पहला राजधानी इनका मिलता है हमें तुमान। कौन सा मिलता है तुमान जो कोरबा क्षेत्र से है बताइए तुमान जानते कि नहीं जानते सुने हैं जानते नहीं है। ये कहां पे है यार कोरबा ठीक है। ये इनकी पहली राजधानी हुई थी तुमान क्योंकि पाली क्षेत्र में शासन स्थापना किया तो यहीं पे पहला राजधानी बनता है। दूसरी इनकी राजधानी मिलती है हमें रतनपुर। क्या मिलती है जी रतनपुर। तीसरी राजधानी मिलती है इनका छुरी कोस गई। आप बताइए ये कहां पे है छुरी कोस गई कोरबा ही जिले में आएगा। रतनपुर कहां आएगा बिलासपुर क्षेत्र में आएगा ना ठीक है। चौथा इनका जिला मिलता है हमें खल्लारी। कौन सा मिलता है जी खल्लारी कहां आता है भाई महासमुंद जिले में आता है। और लास्ट इनका पांचवा हमें मिलता है रायपुर। कौन सा मिलता है जी रायपुर ठीक है। तो ये इनके कलचुरियों के पांच राजधानियां याद रख लेना तुमान रतनपुर छुरी कोस गई खल्लारी और क्या है जी रायपुर। यही पे चलिए और याद कर लेते हैं कि किस किस पर्सन ने इसको राजधानी रखा अपना अपने ठीक है। जैसे तुमान किसने राजधानी रखा था कलिंग राज ने किसने रखा था जी
कलिंग राज जो कि कल्चुरी वंश का संस्थापक है, यही आपका तुम्हान को अपना राजधानी रखा था। रतनपुर को राजधानी बनाएगा हमारा रत्नदेव फर्स्ट। कौन बनाएगा जी? रत्नदेव फर्स्ट। और रतनपुर में जो प्रसिद्ध मंदिर है आपका महामाया मंदिर, उसको भी किसने बनाया है? रत्नदेव फर्स्ट। रतनपुर शहर को भी किसने बनाया है? रत्नदेव फर्स्ट। रतनपुर शहर किसके नाम पर बना है? रत्नदेव फर्स्ट के नाम, रतन रत्न। ठीक है, छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाते हैं बहारन दशाए। कौन बनाते हैं जी? बहारन दशाए नाम का व्यक्ति इसको अपनी राजधानी बनाया है, याद रखिएगा। खल्लारी को राजधानी बनाते हैं केशव देव। कौन बनाते हैं जी? केशव देव नाम के एक राजा ने बनाया था। और रतनपुर को, रायपुर को अपनी राजधानी बनाया था ब्रह्मदेव ने। किसने बनाया था जी? ब्रह्मदेव। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि किसके नाम पर रायपुर शहर का नाम रखा गया है, तो ब्रह्मदेव लगा देना। क्या लगा देना जी? किसके नाम पर रायपुर शहर का नामकरण किया गया है? तो ब्रह्मदेव। किसने रायपुर शहर का निर्माण किया है? तो रामचंद्र देव ने किया। किसे किया है? रामचंद्र देव, जो ब्रह्मदेव के फादर थे, पिता थे, देखेंगे हम लोग। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप याद रखिएगा, इनकी कैपिटल और किस पर्सन ने उसको अपने क्या बना है जी? राजधानी। त्रिपुर अगर एग्जाम में आता है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएगा अपना जी? कलिंग राज। ठीक है, ये हो जाए कलिंग राज। और इसकी दो शाखा हम लोग पढ़ते हैं, एक रायपुर और एक कौन सा जी? रतनपुर। ठीक है, तो रतनपुर शाखा का पहला राजा केशव देव को माना गया है। किसको माना गया है जी? केशव देव, इसको भी याद रखिएगा। और रायपुर शाखा का अंतिम पहला राजा है केशव देव, और रतनपुर शाखा का पहला राजा कौन है जी? कलिंग राज, सब जो संस्थापक है। रतनपुर शाखा का अंतिम राजा मोहन सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है जी? मोहन सिंह। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फैक्ट। अगर रायपुर शाखा का अंतिम राजा की बात करें तो शिवराज सिंह का नाम आता है। किसका नाम आता है जी? शिवराज सिंह। यदि शिवराज सिंह नहीं दिया रहेगा तो अमर सिंह नाम दिया रहता, क्योंकि शिवराज सिंह गद्दी पर बैठा ही नहीं था, उसके पिता थे अमर सिंह, ही गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ संस्थापक कौन हुआ जी? कलिंग राज। रायपुर शाखा का पहला राजा कौन हुआ? केशव देव। रतनपुर शाखा का अंतिम राजा कौन हुआ? मोहन सिंह। रायपुर शाखा का अंतिम राजा, इसको याद कर लेना, अमर सिंह। और ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या देगा जी? शिवराज सिंह देगा। ठीक है, चलिए एक एक करके इनके राजाओं के बारे से कुछ कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग। यहां तक की स्टोरी को दिक्कत है नहीं है? ठीक, इसमें देखिए बहुत सारे राजा है ना, तो सब राजाओं का नाम याद करना हम बिल्कुल नहीं है, बस उनका की वर्ड याद करना है कि भाई उन्होंने कौन सा विशेष काम किया है। ठीक है, देखिए अब हम पहला राजा देखते हैं। हम लोग कौन सी शाखा देख रहे हैं जी? रतनपुर। ठीक है, इसका हमारा पहला राजा कौन हो गया? कलिंग राज। तो कलिंग राज के बारे से दो तीन फैक्ट हमें जानना है। कैसे? इन्होंने 1000 एडी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या किया है जी? स्थापना किया है। इसीलिए इसे हम कलचुरी वंश का क्या कह देते हैं जी? संस्थापक कह देते हैं, फाउंडर कह देते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कलिंग राज हो गया। मैंने बताया कि इन्होंने अपनी राजधानी किसको रखा था जी? तुम्मान को। किसको रखा था? तुम्मान। और तुम्मान कौन सा क्षेत्र आता है अपना जी? कोरबा। तो दो पॉइंट तो माइंड में बैठा के चलिए कि ये हमारे कलचुरी वंश के क्या हो गए? संस्थापक। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको रखा था जी? तुम्मान को।
इन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी का एक मंदिर बनवाया था। एक पॉइंट और लिखेंगे, चैतुरगढ़ भी कहां आता है जी, कोरबा ही आता है। यहां पे महिषासुर मर्दिनी का इन्होंने क्या निर्माण किया है जी, मंदिर बनवाया है। और इसके मीनिंग पे जाएंगे तो महिषासुर मर्दिनी किसको कहते हैं, जो महिषासुर को मारने वाली है। तो महिषासुर को किसने मारा था, दुर्गा माता ने। एक्चुअली में किस माता का मंदिर है जी, दुर्गा माता का मंदिर, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चैतुरगढ़ कोरबा क्षेत्र में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर निर्माण किया है, जो कि एक कौन सा मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। इनके कुछ ताम्रपत्र मिलते हैं, एक दो अगर लिखना चाहे तो अमोदा ताम्रपत्र और रतनपुर ताम्रपत्र या शिलालेख लिख लेंगे, अमोदा और रतनपुर से मिलते हैं, दो प्लेसेस बस, और ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अमोदा ताम्रपत्र और रतनपुर शिलालेख से इनके बारे से हमें जानकारी मिलती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट राजा कौन है जी, कलिंग राज के बाद नेक्स्ट राजा कमल राज। चलिए लिखिए, नेक्स्ट राजा का नाम था कमल राज। कमल राज, ठीक है। देखिए सेकेंड राजा था कमल राज, तो कमल राज के बारे से हमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए। देखिए मैं पहले ही बताया हूं कि इस वंश की स्थापना पहले किस क्षेत्र में हो गया है, त्रिपुरी में। कहां पे हुआ था, त्रिपुरी, और त्रिपुरी शाखा और एक हमारा छत्तीसगढ़ शाखा, ये दो शाखा में बटा है कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा पहला राजा कौन बन गया है, कलिंग राज, जबकि त्रिपुरी में यहाँ पे गंगेदेव नाम का एक राजा था। क्या नाम का राजा था यार, गंगेदेव, जो कि कलिंग राज के टाइम पीरियड में ही था कह सकते हैं, राजा था। अब क्या हुआ यही जो गंगेदेव है इन्होंने उड़ीसा अभियान करना चाहा। कौन सा अभियान करना चाहा जी, उड़ीसा अभियान करना चाहा। और आप बताएंगे कि उड़ीसा अभियान करेंगे ये अपना एमपी, और ये रहा अपना क्या जी, उड़ीसा। तो क्या छत्तीसगढ़ को क्रॉस नहीं करेंगे, करेंगे ना, छत्तीसगढ़ को क्रॉस करते ही जाएंगे, उड़ीसा कह सकते हैं। तो इस गंगेदेव ने क्या कहा इस कमल राज से कि भाई आप मेरी उड़ीसा अभियान में क्या करो, हेल्प करो, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा त्रिपुरी है यही मेन ब्रांच था, और ये का आपका हमारे छत्तीसगढ़ में आके शासन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच रिलेशन तो पहले से ही है कह सकते हैं, ठीक है। तो गंगेदेव के उड़ीसा अभियान में कमल राज ने क्या किया था जी, सहायता किया था, कमल राज ने उनकी सहायता किया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा अभियान में उनकी सहायता किया, और यहीं पे कमल राज ने एक वीर पुरुष को खरीदा था। किसको खरीदा था यार, वीर पुरुष कहने का मतलब एक अच्छा थोड़ा बाहुबली टाइप का आदमी था, उसको खरीदा था कौन, कमल राज ने, और उसका नाम था साहिल। क्या नाम था यार, साहिल नाम के एक व्यक्ति को खरीद कर अपने साथ ले आया, ठीक है। और इसके वंशज हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं, जगत पाल वगैरह जो थे, आगे चलते हमें देखने को मिलता है। तो साहिल नाम के वीर पुरुष को साथ में लाते हैं, और कमल राज ने गंगेदेव की उड़ीसा अटैक में क्या किया था, सहायता किया था। बस दो पॉइंट इसमें याद रखना है, ठीक। कोई दिक्कत बताइए भाई, कोई दिक्कत है कमल राज में, कमल राज की भी राजधानी क्या रहेगी, वही रहेगी जो आपका कलिंग राज की है, तो मान कोरबा, ठीक है। आगे बढ़ू,
चलिए, कलिंग राज हो गया, कमल राज हो गया, इसके बाद हमारा एक राजा मिलेगा रक्तदेव फर्स्ट। कौन मिलेगा? रक्तदेव फर्स्ट। देखिए रक्तदेव फर्स्ट, रक्तदेव फर्स्ट में ज्यादा कंटेंट हमें पढ़ना नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखना है। सबसे 1045 एडी के आसपास इन्होंने एक शहर निर्माण किया और उस शहर को हम जानते हैं किस नाम से जी? रतनपुर। कौन सा शहर जी? रतनपुर। एग्जाम में अगर आता है कि रतनपुर शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो क्या लगा देना? रत्नदेव फर्स्ट। देखिए इसके बाद क्या कहानी है, अपनी जो राजधानी है, ठीक है जी, जो अभी तक कहां मिल रही थी जी? तुम्बा। उसके जगह पे इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया जी? रतनपुर को। तो एग्जाम में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि तुम्बान से राजधानी रतनपुर किसने ट्रांसफर किया तो क्या लगा देना? रत्नदेव फर्स्ट ने किया। ठीक है, एक अभी व्यापन में फंसाने वाला क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग आंसर करें। ठीक है, ये कई बार आ चुका है। तुम्बान को राजधानी बनाकर या राजधानी के रूप में कितने कलचुरी राजाओं ने शासन किया? चलो जी इसका आंसर करो। तुम्बान में राजधानी बनाकर कितने कलचुरी उसके राजाओं ने क्या किया है? शासन किया है। अब थोड़ा सा माइंड चलाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। जो दो बोल रहे हैं गड़बड़ है, तीन है। कैसे में तीन है? कलिंग राज तो करेगा, कमल राज भी करेगा, तो कुछ समय के लिए रत्नदेव फर्स्ट भी तो किया है ना, उसके बाद और राजधानी ट्रांसफर किया है कहां पे? रतनपुर में। तो इसका आंसर कितना होगा जी? तीन। और वो शुरुआती के तीन राजा है। 45 के आसपास इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए रत्नदेव प्रथम ने और क्या क्या काम किया। तो इन्होंने, आप सभी को पता है, प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया रतनपुर में, जिस मंदिर को हम जानते हैं किस नाम से जी? महामाया माता का मंदिर। महामाया माता का क्या जी? मंदिर निर्माण किया है। ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही फेमस जगह है, कह सकते इसके नाम से शक्तिपीठ है एक। ठीक है, तो महामाया माता का मंदिर निर्माण किया। और ये किस शताब्दी में अगर बना है पूछे तो क्या लगा देना जी? 11वीं शताब्दी में। कई बुक्स 1050 दिया रहता है, कहीं में 1045 भी दिया रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप शताब्दी याद कर लो। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो रत्नदेव फर्स्ट के द्वारा किया गया है। इन्होंने वज्जुक की कन्या, किसकी कन्या जी? वज्जुक की कन्या नोनल्ला से विवाह किया था, ऐसी जानकारी मिलता है। ऐसा ऐसा नाम है कि आदमी एक जवान लड़खड़ा आ जाए। ठीक है, वज्जुक की कन्या नोनल्ला नाम के लड़की से इन्होंने क्या किया था? शादी किया था। अब कैसे करेंगे? उसने किया था, हमें आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बढ़िया, रीमा सीमा कुछ नाम रहता तो दिमाग में ज्यादा आता। नोनल्ला ये का नाम है कि नहीं जी? तो उन्होंने महामाया देवी का मंदिर बनवा दिया। ठीक है, और लिखिए एक दो पॉइंट। इन्होंने बहुत सारे रतनपुर में, कहां पे जी? रतनपुर में बहुत सारे बना जाता है तालाब निर्माण किया था। क्या निर्माण किया था जी? बहुत सारे इन्होंने तालाब निर्माण किया। अब उस समय देखो, उस समय पानी का जो सोर्स है तालाब या नदी है या सागर है, बोर बोरिंग का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, ड्रिल मशीन आया तो नहीं कह सकते, कहां से खुदवाएंगे? तो इसीलिए जो राजा वाजा थे जनता के थोड़ा वाटर के सोर्स के लिए तालाब वगैरह खुदवाते थे कह सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे तालाब खुदवाया, कहां पे जी?
रतनपुर में और आगे चलकर बहुत सारे आगे लोग खुदवाते हैं, इसीलिए रतनपुर को आज के डेट में हम तालाबों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तालाबों की नगरी या तालाबों का शहर कहलाता है रतन। ठीक है, इन्होंने तुमान में भी कुछ यूनिक काम कराया, क्योंकि ये तुमान इनकी रतनपुर से पहले क्या थी जी? राजधानी थी। तो तुमान में भी एक दो इम्पोर्टेंट वर्क कराया इन्होंने, जैसे रत्नेश्वर शिव मंदिर और वंकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया है। रत्नेश्वर शिव मंदिर और वंकेश्वर शिव मंदिर, इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है पूछे तो क्या लगा देना? रत्नदेव फर्स्ट। देखिए ज्यादा हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, बस याद रखना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे चीजों को पढ़ते हैं जो एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना है, जैसे रतनपुर रत्नदेव फर्स्ट से अगर आता है तो रतनपुर से क्वेश्चन आएगा, महामाया माता के मंदिर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कैपिटल वगैरह चेंज करने से या तालाब वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जितने भी कंटेंट है वो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए एक बार कॉल करते हैं, बताइए भाई रत्नदेव फर्स्ट में किस टाइम पीरियड में रतनपुर शहर का निर्माण किया? तो 1050 या 45 एडी, या आपको सीधा सीधा 11वीं शताब्दी याद रखिएगा। ठीक है, इनको इन्होंने तुमान के जगह पे अपना क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। कौन से प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया? तो महामाया देवी का मंदिर निर्माण किया। इसने किससे विवाह किया था? तो मनल्ला नाम की एक लड़की से विवाह किया था। रतनपुर में बहुत सारे क्या निर्माण किया जी? तालाब निर्माण किया, इसीलिए आज के डेट में हम रतनपुर को क्या बोलते हैं जी? चलिए आप लोग एक आपका आंसर करिएगा, मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं? आरंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? टंकियों की नगरी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं रतनपुर। ठीक है, रतनपुर को टंकियों का तालाबों का नगरी पूछे तो रतनपुर, मंदिरों की नगरी पूछे तो क्या लगाना है? आरंग। ठीक है, क्या अब बना होगा तभी तो ऐसा कहा है। ठीक है, जैसे चौराहों का नगर किसको कहते हैं? जबलपुर। जगदलपुर जी, जबलपुर तो एमपी चला गया। ठीक है, जगदलपुर को कहा जाता है चौराहों का नगर, क्योंकि वहां पे चार अलग अलग दिशाओं में जाने वाले रास्ते बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीदेव फर्स्ट। क्या नाम है जी? पृथ्वीदेव फर्स्ट। लिखिए भाई, यहाँ पे रतनपुर को कुबेरपुर भी कहा गया है ना, लिखना था तो एक पॉइंट लिख लेना आप लोग, रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से भी जाना गया है। कुबेरपुर नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि रतनपुर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, पृथ्वीदेव फर्स्ट। देखिए पृथ्वीदेव फर्स्ट के बारे से क्या क्या है, इनके कुछ अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख या ताम्रपत्र कह सकते हैं। ठीक है, एक दो अभिलेख इसके हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि अमोदा से मिलेगा, रायपुर से मिलेगा और लाफागढ़ से मिलता है। अमोदा से, रायपुर से और लाफागढ़ से, इनके तीन हमें क्या मिलते हैं जी? अभिलेख वगैरह मिलते हैं, जिसमें अमोदा लेख में इनको 100,000 गांवों का स्वामी कहा गया है। कितने लाख गांवों का स्वामी कहा गया है जी? 100,000 गांवों का स्वामी। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है आपको कि किस पर्सन को 100,000 गांवों का स्वामी कहा गया है तो क्या लगा देना जी? पृथ्वीदेव फर्स्ट को। और किस लेख में कहा गया है? तो अमोदा लेख में कहा गया है। ठीक है, इन्होंने एक प्रसिद्ध किला निर्माण किया, कौन सा किला है बताओ जी? लाफागढ़ का किला। किसका किला जी?
लाफागढ़ का किला बनवाया है इन्होंने। लाफागढ़ का किला कहाँ है जी? लाफागढ़ कोरबा में है, ठीक है। तो इन्होंने लाफागढ़ का किला निर्माण किया क्योंकि राजा लोग का पहले काम ही था किला उला बनवाना। अब देखिए किला बनेगा ऐसे करके, नॉर्मल मैं तो बनाया हूं, तो पहले के लोग ना बड़ा किला बनवाते थे तो उसके कई एंट्रेंस आने जाने का कई रास्ता रहता था। जैसे इस रूम में आने जाने के कितने रास्ता है, जलिया वाला बाग है कह सकते हैं, जनरल डाल गोली मारेगा तो मर जाएंगे यहीं से। यहाँ पे आने जाने के तीन रास्ता बना था, कितना था जी? तीन। और तीनों को अलग अलग नाम दिया गया जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। एक को कहा गया है सिंह द्वार, क्या बोला गया है जी? सिंह द्वार। एक को कहा गया हुंकार द्वार और एक को कहा गया मेनका द्वार। क्या कहा गया है जी? मेनका द्वार। तो इनके तीन अलग अलग दरवाजों को अलग अलग नाम दिया गया है, क्या क्या? सिंह द्वार, हुंकार द्वार और क्या है जी? मेनका द्वार। इसको ऐसे याद कर लेना, कैसे याद करोगे? मेनका नाम की एक लड़की है जो शेरनी की तरह हुंकार मारती है ऐसे करके, ठीक है। मेनका नाम की एक लड़की है जो शेरनी की तरह क्या मारती है जी? हुंकार मारती है। लड़कियां वैसे हुंकार तो मारती है लेकिन यहां पे कैसे हुंकार मारेंगी? शेरनी की तरह। याद रखना लाफागढ़ का किला किसने निर्माण किया है जी? पृथ्वीदेव फर्स्ट ने। और कोई कीवर्ड उनके बारे से तो लिख लेना। एक दो पॉइंट है, जैसे रतनपुर में बहुत सारे तालाब बनवाए इन्होंने भी, बहुत सारे राजाओं ने बनवाए। रतनपुर में तालाब निर्माण किया है, रतनपुर में तालाब निर्माण किया है, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वीदेव फर्स्ट ने। और लिखिएगा तुमान में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। तुमान में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है, उन्हीं के नाम पे है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कि तुमान में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो पृथ्वीदेव फर्स्ट ने कराया है, ठीक है। देखिए भाई, ये जो किला बना है ना लाफागढ़ का किला, ये राजस्थान के, तो ये ज्यादा लंबा नहीं खींचना है मेरे को, ठीक है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले से प्रभावित माना जाता है। कौन सा किला से प्रभावित माना गया है? चित्तौड़गढ़ के किला। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान किला निर्माण के लिए बहुत फेमस, एंशियंट टाइम में आज भी है, वहां एक से किले मिल जाएंगे आपको। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले से यह प्रभावित था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मजबूत किला माना गया है। कैसा किला माना गया है? मजबूत किला माना गया है। इसीलिए लाफागढ़ के किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। यह भी एग्जाम में आता है बहुत कि छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसको कहते हैं? तो लाफागढ़ का किला कोरबा को कहते हैं, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहते हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ कश्मीर किसको कहते हैं? चलो जिला मैं बता देता हूँ, प्लेस आप बताना। कोरबा, कोरबा को नहीं कर बोलते, कोरबा किसी प्लेस को बोलते हैं। कोरबा वाले खुद पता नहीं, बाकी क्या बताएं। चैतुरगढ़ का नाम उसी में, उसी को कहते हैं। मास्टर थोड़ा ठंडा रहता होगा तो बोल दिए तो बोल दिए तो चल रहा है क्या है, ऐसा तो कहानी है ना। जय छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहते हैं? मनपाट को कहते हैं। वहां पे थोड़ा ठंडा हो गया, गर्म नहीं जाता है तो बोल दिए तो चल रहा है तो चलने दो वाला कहानी, ठीक है। तो लिख लेना ये छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर अगर पूछता है तो कश्मीर आता है चैतुरगढ़,
चैतुरगढ़ को कहते हैं कुरवाला, और छत्तीसगढ़ का मैन पार्क बोलते हैं शिमला। छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहते हैं? तो मैन पार्क। लिखो। अब हमारा सबसे एक ग्रेट राजा आएगा जिसका नाम है जाजलदेव फर्स्ट, जांजगीर वाले। लिखिए भाई, नेक्स्ट राजा का नाम जाजलदेव फर्स्ट। ठीक है। देखिए जाजलदेव फर्स्ट, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसको भी थोड़ा थोड़ा देखना है। जाजलदेव फर्स्ट ने श्रीमद जाजलदेव, क्या नाम जी? श्रीमद जाजलदेव का टाइटल रखा था, उपाधि। ठीक है, श्रीमद जाजलदेव कहा जाता था जाजलदेव फर्स्ट को। इन्होंने जांजगीर शहर का निर्माण किया है। जांजगीर शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो जाजलदेव फर्स्ट। जांजगीर का एक नाम आप सभी को पता होगा, इसको जाजल्य नगरी भी कहते हैं। कभी जांजगीर जाओगे तो बोर्ड वगैरह में देखना लिखा रहता है, ठीक है, कि जाजल्य नगरी में आपका स्वागत है, ऐसे करके। तो जांजगीर का पुराना नाम जाजल्य नगरी है। इसी की याद में यहाँ पे जाजलदेव महोत्सव भी मनाया जाता है, जाजलदेव महोत्सव, जो कि एक मेला लगता है कह सकते हैं। ठीक है, तो जाजलदेव महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है पूछे तो क्या लगा देना जी? जांजगीर। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो जाजलदेव के याद में मनाया जाता है। जाजलदेव ने यहाँ पे एक नक्टा मंदिर का निर्माण किया। क्या मंदिर है यार? नक्टा मंदिर। और नक्टा एक गाड़ी है छत्तीसगढ़ में, किसका बोलते नक्टा? जिसका नाप कट गया, निर्लज धूर्त था आदमी है, इसको क्या बोलते हैं? नक्टा। और लड़कियों को नक्टी कह देते हैं, भयंकर गाली है, क्या करोगे, देना पड़ता है, पढ़ाना है तो। ठीक है, तो एक नक्टा मंदिर का निर्माण किया गया है। एक्चुअली एक विश्व मंदिर है। क्या मंदिर है? विष्णु मंदिर। अब इसको नट्टा मंदिर क्यों कहा गया? देखो नहीं, इस मंदिर को नट्टा क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि एक मंदिर अधूरा है। वो छह महीना दिन वाला कहानी, रात वाला कहानी था जो मंदिर को बनाना था, लेकिन छह महीना का रात बीत जाता है तो फिर दिन हो जाता है, तो मंदिर का आधा भाग कहीं और है और आधा भाग कहीं और है। इसका नाक कट गया है ऊपर का कह सकते हैं, इसीलिए इसको ऐसा नाम दिया है। मंदिर क्या है जी? अधूरा। जाओगे तो पता चलता है, एक से कहानी है, हाथी को चीर दिए, ऐसे क्या क्या वहां पर बहुत सारे चीजें। ठीक है, भयंकर। तो नक्टा मंदिर याद रखना, जाजलदेव फर्स्ट। जाजलदेव फर्स्ट एक लड़ाकू पर्सन था। कैसा था जी? लड़ाकू था, योद्धा था कह सकते हैं। इन्होंने देखो, ये अपना छत्तीसगढ़ है कि नहीं है, और ये अपना बस्तर है, और ये अपना क्या है जी? ओडिशा। देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने रतनपुर के जगह में कौन आपका बैठा है? जाजलदेव फर्स्ट बैठा है। अब होता क्या है कि बस्तर क्षेत्र में इस समय छिंदक नागवंश का शासन चल रहा था। कौन सा नागवंश जी? छिंदक नागवंश। ठीक है, तो बस्तर में छिंदक नागवंश का शासन था, और छिंदक नागवंश का एक राजा था जिसका नाम है सोमेश्वर फर्स्ट। क्या नाम था यार? सोमेश्वर फर्स्ट। तो हुआ क्या, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जाजलदेव ने रतनपुर से आपका अटैक किया, किस पर जी? सोमेश्वर फर्स्ट। ठीक है, जिसमें यह सोमेश्वर फर्स्ट क्या हो गया? हार गया। जीता कौन? जाजलदेव फर्स्ट। फिर क्या हुआ
सोमेश्वर फर्स्ट के पत्नी माता दाई दादा लोग लेकर मंत्री संतरी सब को कब्जा करके गिरफ्तार करके ले जा रहा था कौन जी जाजा लग गया फर्स्ट सबको कि दाई दादा लोग लेकर सबको ले जा रहे हैं। तो सोमेश्वर देव पहली की माता थी जिनका नाम था गुंडमहा देवी, भगवान जाने कैसा नाम रखे, गुंडी माता, गुंड महादेवी, ठीक है, साउथ इंडियन की गुंडी टाइप का लग रहा है। तो गुंड महादेवी इनका नाम था। इन्होंने जाजलदेव फर्स्ट से रिक्वेस्ट किया कि बेटा हमको मत ले जाओ, हम डोकरी आदमी काबू तक करेंगे आपके हाथ से करके, ठीक है। इसीलिए गुंड महादेवी के कहने पर जाजलदेव फर्स्ट ने इन सबको क्या कर दिया जी, छोड़ दिया। अच्छा आदमी था बेचारा, नहीं तो जाकर सबको गोबर सहित थवाता, ठीक है। तो ये कहानी मिलता है हमें सोमेश्वर देव फर्स्ट के बारे से। दूसरा, उड़ीसा में स्वर्णपुर नाम का एक जगह था जहां पे एक भुजबल नाम का आदमी था। क्या नाम का आदमी था? भुजबल। इस भुजबल को भी पटक पटक के पीटा था कौन, जाजलदेव फर्स्ट। इस पर भी अटैक किया था इसे करके, और भुजबल इसमें हार गया था, और कौन जीता था, जाजलदेव फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इनके लड़ाई झगड़े के बारे से जानकारी मिलता है। याद रखना, ओडिशा के स्वर्णपुर के भुजबल को हराया है, और छिंदक नागवंश के किसको हराया है जी, सोमेश्वर फर्स्ट। एक चीज बताओ, कलचूरियों की कुल देवी कौन थी जी, कुल देवी या इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? गजलक्ष्मी। मतलब किसकी पूजा करते थे जी, हाथी वगैरह की पूजा करते थे, उनका प्रतीक चिन्ह भी बना था कह सकते हैं। लेकिन जाजलदेव फर्स्ट ने कहा कि मैं नहीं मानता इसकी, मैं हाथी वाथी पूजा नहीं करूंगा भैया, और ये हाथी को मारने वाला फोटो बनवाता है, हाथी को कोचक के मारता है, मारने वाला चित्र बनवाया, और एक टाइटल रखा है, उपाधि रखा, बहुत बदमाश था, गज शार्दुल। क्या नाम था जी? गज शार्दुल का मतलब होता है हाथियों को मारने वाला। जो उनकी कुल देवी है जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं उसी को मारने वाला टाइटल रखना है कौन, जाजलदेव फर्स्ट। तो याद रखना, गज शार्दुल का टाइटल रखा, इन्होंने सिक्का चलाया सोना वगैरह का, इसका सिक्का चलाया जी, सोना का सिक्का वगैरह चलाया, जिसमें त्रिपुरी के राजाओं का नाम बिल्कुल नहीं लिखवाया, अपने आप को स्वतंत्र राजा बोलता था कह सकते हैं, ठीक है। एक साइड में वही हाथी वाला मारने वाला चित्र बनवाता था, और एक साइड में इसका जो नाम था ये वाला, कहां है जी, श्रीमद जाजलदेव कहां लिखा हुआ ये, ठीक है। तो दोनों श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल को उसमें चित्र को छपवाया था कह सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो जाजलदेव फर्स्ट है, इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को क्या किया था जी, अस्वीकार किया था कि मैं किसी के अंडर में शासन नहीं करता हूं, मैं अपने आप में क्या हूं जी, स्वतंत्र हूं। जैसे कि हम सेंट्रल के अंडर में शासन कर रहे हैं सीजी वाले, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं सेंट्रल को नहीं जानता, मैं मोदी जी को नहीं जानता, ऐसे कह सकते हैं क्या, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ आपका गड़बड़ हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जैसे अभी दिल्ली में हो चुका है, वहां के अरविंद केजरीवाल को जेल हो गया पता ही नहीं, कुछ शराब घोटाला वोटाला फंसा दिए बेचारे, खुद कभी पिया नहीं है लेकिन बेचारे पियाने के चक्कर में गिरफ्तार कर दिए, ये मेरे को नाच मचा रहा है उल्टा पुलटा। तो ये सब कहानी हमें किसके बारे से मिलेगा, जाजलदेव फर्स्ट। एक बार रिपीट करते हैं, इनका क्या टाइटल है बोलो जी, श्रीमद जाजल। कौन सा शहर बसाया, जांजगीर का पुराना नाम, यहाँ कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, ये फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसको क्या नाम दिया गया है, नक्टा मंदिर। नक्टा मंदिर एक्चुअली में किसका मंदिर है, विष्णु जी का। इसको नक्टा मंदिर क्या बोलते हैं, क्योंकि मंदिर क्या है, अधूरा है।
त्रिपुरी के अधीन तक क्या स्वीकार किया था? नहीं, अस्वीकार किया था। योद्धा व्यक्ति था, छिंदक नागवंश के सोमेश्वर फर्स्ट को हराया था, ओडिशा में स्वर्णपुर के किसवार आया था, उज्जवल को हराया था, उनकी महतारी के कहने पर छोड़ा था, कह सकते हैं गुंड महादेवी के कहने पर, कैकेयियों की कुल देवी गजलक्ष्मी थी, तो वे हाथियों को मारने वाला टाइटल रखता है, गज शार्दूल और अपने सिक्कों के श्रीमद जाजल देव और गज शार्दूल का चित्र छिपा था। एक और इसमें लिखिएगा, पाली का शिव मंदिर पढ़े थे हम लोग, कौन बनवाया था जी? पाली का शिव मंदिर किससे बनवाया था? जिसको शंकरगढ़ मुग्ध तुम ने हराया था, इसे तो पढ़े शुरू में। जय मेव कौन बनाया था जी? बहुत बुलाते हैं। जय मेव बार वंश का शासक था जी, उन्होंने पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया था लगभग 9th century में, जिसे जाजल देव फर्स्ट में जीर्णोद्धार कराया था। एक पॉइंट लिख लेना, पाली के शिव मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया, पाली के शिव मंदिर का इन्होंने क्या कराया जी? जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, तो ये हो गया पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले यही पर्सन थे। इनकी लास्ट यात्रा, लास्ट कहानी की बात करें तो एक मकरध्वज नाम के योगी के साथ ये चले जाते हैं लास्ट में। मकरध्वज नाम के योगी के साथ चले गए और जाने के बाद फिर से कभी रिटर्न नहीं आए, तो कह सकते हैं लास्ट में कहीं ना कहीं जाजल देव ने क्या धारण किया होगा जी? संन्यास धारण कर लिया। कई राजा ऐसे करते हैं, ठीक है, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, लास्ट में आपका जैन धर्म अपनाए और कर्नाटक के सरोवर गलगोला में जाकर के उपवास करके अपना प्राण त्याग दिया, ठीक है। तो उसी टाइप का यहाँ पे भी कहानी मिलता है, इन्होंने लास्ट में संन्यास धारण कर लिया होगा और मकर ध्वज के साथ में एक योगी थे, इनके साथ में गए और कभी वापस नहीं आए। ये कहानी है जाजल देव फर्स्ट की। और पढ़ेंगे, हो गया, बहुत है, आज जितना भी पढ़े उसको रिकॉल करके आइए कल, ठीक है। और सब ऑप्शन रखें कि नहीं रखें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ऑप्शन हरिराम वगैरह का ले लो, चार ऑप्शन में जो रहते हैं जी उसमें ले लो, आप लोग पूरा जीएस का आता है ऑप्शनल उसको ले लो ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। इधर आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया? सीडीपी अगर चल रहा है ना, अपना सीजी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। इसको अब मेडाइवल तो आ चुके हैं, मेडाइवल और मॉडर्न बचा है थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग सीधा सीधा हिंदी स्टार्ट करेंगे क्योंकि हिंदी आपको इम्पोर्टेंट है, व्याकरण में भी अच्छा आएगा और आपका डीएड वगैरह भी डाले क्या? डीएड बीएड वगैरह भी डाले है ना, उसमें भी आएगा, टीचर में भी आपका आएगा, ठीक है। तो हिंदी स्टार्ट करेंगे हम। बोले जय भारत, जय जय।